नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनके ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब ईडी उनको उठाना चाहती उठा दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 MLA को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर। इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप एनडीए के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं? और मैं इधर आया हूँ, फिर तुम उधर के क्या कर रहे हैं? इसलिए तो पवार साहब अगर यहाँ आते थे, एनडीए के साथ आते थे, तो ये फूट नहीं होती थी। अजीत दादा पवार हमारे साथ नहीं आते थे, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं। हम किसको तोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, वो सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग इधर आ रहे हैं।